नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज पुनः इलाहाबाद यूनिवर्सिटी परिवार के स्टेज पर हिंदू लॉ की क्लास में। यूपी जुडिशियरी एग्जाम के तैयारी करने वाले आप सभी छात्रों का, साथ में अन्य अधिवक्ताओं का, और जहां तक मेरी जानकारी है कि इसमें स्टेज पर आप दूसरे विश्वविद्यालय, मसलन आगरा विश्वविद्यालय, कानपुर विश्वविद्यालय के लोग भी जुड़ते हैं जो कि यूपी जुडिशियरी की तैयारी कर रहे हैं। कौस्तुभ जी को इस सुंदर प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग लाइव इस क्लास में आए, तो आप लोग जरूर लाइव इस क्लास में आए, उनकी बात को माने। कभी कभी उनको बहुत गुस्सा भी आ जाता है, तो आप लोग उनको गुस्सा होने का कारण न दें। अपने व्यस्त समय में से वो समय निकल कर आपके फायदे के लिए हम जैसे लोगों को लेकर यहाँ आते हैं, और आपकी उपस्थिति से हमें ऊर्जा मिलती है। उनका इसमें कोई नफा या कोई नुकसान नहीं है। हाईकोर्ट खुल चुका है, वो भी व्यस्त हैं, इसके बावजूद भी वो नियमतः इस क्लास से जुड़े हुए हैं, आप सबको जुड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन कौस्तुभ जी, अच्छी बात यह है कि हमारी यह जो सुगंध है, आपका यह जो प्रयास है, सुगंध कहते हैं ना, किसी का नहीं होता है, फूल किसी का हो सकता है लेकिन सुगंध तो हवा में व्याप्त हो जाता है, दूर दूर तक फैलता है, तो अच्छा ही दूसरे विश्वविद्यालय तक भी पहुंच रही है, यह अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे विश्वविद्यालय के इस यूपी जुडिशियरी की सम्मानित सेवा में आए, इससे बढ़ के खुशी की बात क्या होगी। चलिए, आप सबका पुनः स्वागत है। ये कुछ औपचारिक बातें थी जो मुझे करना आवश्यक था। बार बार कौस्तुभ जी कहते हैं कि इस क्लास का लिंक आप लोग शेयर कर दें अपने फेसबुक पे, अपने तमाम मित्रों के बीच में, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जो जहां भी है उसको शेयर करें, और हम क्लास का आगाज करते हैं। आइए, आप सब लोग 15-20 लोग यहाँ जुड़ गए हैं। गुड इवनिंग प्रदीप मौर्य जी, गुड इवनिंग कौस्तुभ जी, गुड इवनिंग संजय कृष्णा जी, जिन लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, सौरभ सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। प्रदीप मौर्य जी, संजय कृष्णा जी, आशीष यादव जी, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। और कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं, दिव्यांशी फुलूड़ा जी, गुलिस्तान प्रवीण जी, रेगुलर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच गुलिस्तान, गुड इवनिंग दिव्यांशी। आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरे कार्यक्रम में, आपके पूरे लाइव वेबिनार में आपके सवाल भी लेता रहूंगा। जो भी आपका फीडबैक हो आप मुझे दें, जो सवाल हो वो मुझसे पूछें। मौजम खान साहब, स्वागत है आपका भी, आप तो टॉप मेरे फैन हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी इस हौसला अफजाई के लिए मेरा। नीरज पाल जी, गुड इवनिंग। अनुरवल हक साहब, गुड इवनिंग। तो चलिए, आइए हम सवाल शुरू करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है आज का, होप मैं वहां तक पहुंच पाऊं, क्योंकि पीछे सवाल, अब जो यह पढ़ाई है, एक तरफ चुनाव की सरगर्मी है, राजनीतिक वातावरण गर्म है, और दूसरी तरफ हमारा भी विषय उन कंट्रोवर्शियल, उन संवेदनशील मुद्दों की तरफ बढ़ता हुआ, हिंदू लॉ पर। बहुत बढ़िया क्लास होने जा रही है, आपको बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। अभी तक तो हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है हिंदू लॉ की, मसलन इन रिलेशन टू अदर रिलीजन, इस्लाम जो आजकल टॉपिक चला हुआ है, लव जिहाद, स्पेशल मैरिज एक्ट, और कन्वर्जन, और पता नहीं क्या क्या है। राजनीति और राजनीतिक सरगर्मियों से हमारा कोई लेना देना है, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको। हम सीमित रहेंगे लॉ के, कानून के विद्यार्थी होने के नाते, उस कानूनी विषय का कानूनी तरीके से गहन अन्वेषण और अध्ययन करें। अवर एजेंडा, अवर एम, अवर मोटो इज वेरी क्लियर। वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद द पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज गोइंग अराउंड, बिकॉज देखिए, आप कल जज भी बनेंगे, आप कल प्रैक्टिस भी करेंगे, तो आप देखेंगे कि बाहर छोड़िए कंट्रोवर्शियल मसलों को,
सामान्य मसलों में भी पुलिस का वर्जन कुछ होगा, एक पक्ष कुछ कह रहा होगा, दूसरा पक्ष कुछ कह रहा होगा। आपका काम तो उन सबके बीच में से सत्य ढूंढकर अपने क्लाइंट की मदद करना है, और अगर आप जज हैं तो आपका काम सत्य तक पहुंच के निर्णय देना है। तो बाहर क्या कहा जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मी क्या है, उस विषय को लेकर के कोर्ट शायद जब इन बातों पर विचार करती है तो उसका महत्व नहीं होता है। तो उसी तरह से हम न्याय के विद्यार्थी हैं, न्याय के अध्यवेता हैं, हम न्याय तक, हम कानून तक सीमित रहेंगे अपने इस क्लास में। लेकिन हाँ, समाज में जो चीजें चल रही हैं उस पर हम चर्चा भी जरूर करेंगे, ताकि हम भी समाज के अंग हैं, समाज के लिए ही कानून बना है, समाज को नियंत्रित करने के लिए ही कानून बना है। तो हम उन सारी चीजों पर चर्चा एक बिल्कुल सकारात्मक ओपन माइंड से करेंगे। हम उसमें किसी प्रिजुडिस को नहीं लाने वाले। हो सकता है हम सब अपने अपने व्यक्तिगत लाइफ में किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो सकते हैं, जुड़े हो सकते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ क्लास में बाहर रख के आते हैं। तो आइए, चलिए, आप सब मेरी बात से सहमत हैं तो आप मुझे यस दीजिए, और आप चाहते हैं कि आज की क्लास शुरू हो तो खटाखट मुझे रेडी 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 टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, मैं देखूं तो जरा एनर्जी कितनी है। बहुत बढ़िया, आप 26 लोग आज लाइव क्लास में उपस्थित हैं, बहुत बढ़िया। कौस्तुभ जी, बधाई हो आपकी, आपकी मेहनत और डांट सफल हुई। चलिए, अनु यादव जी यस, मेरी बात से सहमत हैं। राजकुमार जी मेरी बात से सहमत हैं, और दिव्यांशी जी भी मेरी बात से सहमत हैं। बहुत बढ़िया, आप मुझे रेडी दीजिए। संजय त्रिपाठी जी, चलिए, तो पीछे तो जो सवाल था वो मैंने पूरा कर दिया था। अब जो आज का सवाल है, आप लोग लिख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और आपके सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव तो अपने आप उसमें कवर होता है। ठीक है जमशेद रजा साहब, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। खैर मकदम, आप लोगों को पता नहीं एक इंटरेस्टिंग बात मालूम है कि नहीं, उर्दू की महत्ता लॉ में। जम्मू कश्मीर से कोई है यहाँ, या जम्मू कश्मीर की कोर्ट में प्रैक्टिस करने का कभी कोई काम हुआ, या कोई जम्मू कश्मीर जुडिशियरी के लिए प्रैक्टिस कर रहा हो? आज भी वहां प्रैक्टिस उर्दू में ही होती है, ये ध्यान रखिएगा, ना हिंदी है ना इंग्लिश है। तो अगर लॉ के पुराने डॉक्यूमेंट्स, स्पेशली सिविल लॉ में अगर प्रॉपर्टी डीड्स टाइटल्स वगैरह दिखने हैं तो वो भी उर्दू है, और FIR की लैंग्वेज सारे स्टेट में, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, आज भी उर्दू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमराही, फर्द, मुकदमा, ये सब उर्दू है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक टिप्पणी भी की, दिल्ली पुलिस में वो लागू हुई है कि भाई क्यों आप इतना इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। पुलिस को कहा गया है और कुछ शब्द निकाले गए हैं कि सामान्य बोलचाल की हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कीजिए ताकि जनता को ये बात समझ में आ सके। लेकिन हम सब लॉ के विद्यार्थी हैं तो मेरा तो आपसे निवेदन यही होगा कि अगर आप थोड़ी जानकारी उर्दू की रखें तो आपके एग्जाम में भी आपको अच्छी मदद मिलेगी। तो आज का सवाल, जी तो आइए, जो आपका आज का सवाल है कि इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स, धर्म परिवर्तन का मैरिज, विवाह और तलाक पर क्या कानूनी तौर से, किस तरह से दोनों रिश्ते, दोनों संबंध प्रभावित होंगे। हमने राइट ऑफ सेकेंड वाइफ विथ रेफरेंस टू बाइगैमस मैरिज इन इंडिया, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, डिस्कस किया था आपसे। ध्रुवपति नाथ रजत त्रिपाठी जी, सर हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश इन सुप्रीम कोर्ट? ईमानदार उत्तर चाहते हैं या एकेडमिक उत्तर चाहते हैं, बताइए, फिर बताता हूं।
दूसरी बात, आपको मैं ज्यादा मदद तब कर पाऊंगा जब आप मुझे इस सवाल का अभिप्राय क्या है ये बताएं। हाँ दिव्यांशी जी, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, द्रौपदी नाथ रजत त्रिपाठी जी ने एक और सवाल कौस्तुभ जी पूछ रहे हैं, ईमानदार तो थोड़ा विषय से भटक जाएंगे तो चलेगा कौस्तुभ जी? ये सवाल विषय से थोड़ा इतर जाएंगे चलेगा? आप लोग इजाजत दे रहे हैं तो मैं इसका ईमानदार जवाब दे दूं। स्वाति मिश्रा जी भी मेरी टॉप फैन हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका स्वाति जी। चलिए चलिए, तो आप सब लोग जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए इंग्लिश कितना महत्वपूर्ण है, और आज मैं इसका एक ईमानदार जवाब आपको देता हूं उदाहरण के साथ। अगर मुझे थोड़ा सा बता दो कि हाँ मैं समझ गया, कोई कह रहा है कि प्रैक्टिस के लिए, कोई कह रहा है ज्ञान के लिए, ठीक है सर बोल। देखो ये सवाल पहले तो आप लोग पूछ ही क्यों रहे, मैं सवाल के जवाब में आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल पूछ ही क्यों रहे? बहुत ईमानदारी से और विनम्रता के साथ, लेकिन सख्ती से आप लोगों से कहना चाहूंगा, अधिकार है, सीनियर हूं आपका, ये क्यों समस्या है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, क्यों अंग्रेजी से लड़ते हो? मैं आपको व्यवहारिक तौर पे बताता हूं, आपको मजा भी आएगा। मैं जिनके साथ प्रैक्टिस करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के लगभग मायावती जी की सरकार में एडवोकेट जनरल भी रहे, और तमाम लगभग उत्तर प्रदेश के आज भी सारे, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आपका यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो, बिजली विभाग हो, उसके आज भी वो पैनल पे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा हमारे ही चैम्बर में है उत्तर प्रदेश का, लगभग लगभग, तो और भी लोग आ गए हैं लेकिन लगभग, मायावती जी के टाइम में तो सारा मुकदमा हम लोगों के पास ही था। अब जो मुकदमे थे उसमें से तो कई डिपार्टमेंट जैसे यूपी पिकअप वगैरह खत्म हो गए। तो चलिए मेरे जो एओआर साहब हैं श्रीश कुमार मिश्रा, मैं उनके उदाहरण से आपसे बात करता हूं। वो कानपुर में लॉ किया उन्होंने, कानपुर में प्रैक्टिस कर रही बाबूलाल मिश्रा जी के चैम्बर में, बहुत बड़ा नाम है उत्तर प्रदेश में कानपुर में तो बाबूलाल मिश्रा जी का, उस चैम्बर से बहुत सारे लोग जजेस भी हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रहे, सुप्रीम कोर्ट में भी आए लोग, तो वहां से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। थोड़े दिन में समझ में आ गया जो छोटे शहर की व्यवस्था होती है कि यहां बात बनने वाली नहीं, तो वो इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद जब आए तो ये बहुत, मैं बहुत 30-40 साल पहले की कहानी बता रहा हूं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, तो इलाहाबाद आ गए, तो इलाहाबाद की भी मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वो जम नहीं पाए, इसको चलिए हम ऐसे कह देते हैं, वो जम नहीं पाए, इलाहाबाद में कोई कमी नहीं थी। हाँ मैं आ रहा हूं उसी का तो आज जवाब देना है, आज ये सवाल खत्म कर देना है मुझे त्रिपाठी, आज के बाद ये सवाल नहीं होगा जैन में, आज कम से कम जो लोग लाइव हैं उनके लिए। तो पंडित जी की भी, सुरेश कुमार मिश्रा जी की भी, जो आज सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, यही समस्या थी। तो उनकी मुलाकात इलाहाबाद के कन्वेंट स्कूल में पढ़े कुछ लोगों से हुई, और दिल्ली के कुछ उनके अपने रिश्तेदार थे जो दिल्ली अंग्रेजीदार थे और दिल्ली में पढ़े थे, और तो उन्होंने कहा मिश्रा साहब ने कि मैं जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करने। जो उन्होंने कहा पागल हुआ है क्या, अंग्रेजी आती नहीं, कानपुर से लॉ किया, चला गया सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने। मिश्रा जी डिटरमाइंड थे और उन्होंने आज से 40-45 साल पहले, बहुत टफ होता था, आज भी टफ है, एओआर का एग्जाम, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एग्जाम, मिश्रा जी ने फॉर्म भरा, साथ में ये अंग्रेजी मीडियम वाले इलाहाबाद के दूसरे लड़कों ने भी फॉर्म भरा, और उनके रिश्तेदार जो दिल्ली में अंग्रेजी स्कूल में पढ़े थे और सेंट स्टीफेंस और पता नहीं कहां कहां पढ़े थे, उन्होंने भी फॉर्म भरा, सिर्फ मिश्रा जी का सिलेक्शन। तो अगर तुम ठान लोगे ना तो अंग्रेजी ऐसी कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, इसी बैकग्राउंड की तो बात कर रहे हो। अगर मैं अपने बैच की बात करूं, मैं जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ता था, चलिए मैं उन कुछ फॉर्चुनेट लोगों में से था
सेंट्रल स्कूल का विद्यार्थी था तो आप कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम था, जबकि हमारे यहाँ भी सोशल साइंस हिंदी में ही पढ़ाया जाता था। इंग्लिश में क्या पढ़ाया जाता था, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। तो इंग्लिश तो यूपी में भी है, बिहार में भी है, लेकिन चलिए आप कहना चाहते हैं कि सर आप प्रिविलेज थे तो मैं मान लेता हूं। लेकिन यस बिल्कुल स्वाति जी, बहुत टफ है। अब तो फिर भी सीट्स बढ़ गई हैं, उस जमाने में 40-45 साल तो इट वॉज कंसिडर्ड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तब उन्होंने कानपुर के लड़के ने आके क्वालिफाई कर लिया है और बड़ी अच्छी प्रैक्टिस जमाई उन्होंने ईमानदारी से। तो मेरे बैच में कुछ तो आपके बॉयज हाई स्कूल वाले आए, कुछ वो सेंट मैरी जो लड़कियों का स्कूल है वो वहां से आए, और कुछ दो चार पांच हमारे जैसे थे। बैच मेरा पूरा इंग्लिश मीडियम था, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, एंशियंट हिस्ट्री, ये तीन मेरे सब्जेक्ट थे, और पूरा पूरा भरा हुआ था बैच, एक सीट नहीं थी। और सब के सब बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, हिंदी मीडियम, थका के हिंदी मीडियम। मैं तो उनकी हिम्मत देख के दंग रह गया। सब आईएएस है उसमें से, रघु चतुर्वेदी डीआरएम बनारस, अखिलेंद्र प्रताप सिंह आईपीएस असम कैडर, निश्चल आईपीएस मणिपुर कैडर, वो कितने नाम गिनाऊं अपने बैचमेट्स के जो हिंदी मीडियम में आए थे और फर्स्ट ईयर तक बस थोड़ा सा स्ट्रगल किया, एग्जाम आते आते थे। सेकेंड ईयर से आते आते तो डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, कितने नाम गिना, सबके सब हिंदी मीडियम। और मेरे एक भाई हैं वो भी हिंदी मीडियम से उत्तरांचल से पढ़ के आए थे, आज वो इंग्लिश के टॉप अखबार के एडिटर हैं, जिनको एबीसीडी नहीं आती थी जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए। डॉक्टर आलोक पंत हुआ करते थे पॉलिटिकल साइंस में, बेचारे नहीं रहे, उनके साले हैं। तो ये भावना निकाल, अगर तुम चाह लोगे, कोई हिंदी इंग्लिश इंग्लिश आने नहीं, तुम्हारे राह में नहीं आनी। मैं तो एक जुटकुला सुनाऊं, एक याद है कि ऐसी ऐसे वाक्य हुए, और वो सब के सब लोग नाम नहीं बताऊंगा, आज आईजी और डीआईजी हैं। मेरे रात कमरे का एक कुंडा खटका, बहुत बहुत रात, मैं घबरा गया। मैंने बोला भाई नहीं, रात को कोई क्यों आया है, कौन आया है? लेकिन फिर मैंने कहा कि कोई आवश्यक काम होगा, इमरजेंसी होगा, तभी आया है। तो मैंने खोला, एक हमारे आदत सहपाठी जो हमारे बैच में थे, किसी भी हॉस्टल के खड़े थे, लंबा चौड़ा शरीर है, आजकल सीआरपीएफ में आईजी हैं, खड़े थे हमारे बलिया के रहने वाले हैं। क्या हो गया इतनी रात को? बोले यार मैं ना नींद नहीं आ रही। तुम्हें नींद नहीं आ रही, मुझे तंग करने क्यों आ गया भाई? मुझे पढ़ने दे, मुझे सोने दे। अरे नहीं, वो बात नहीं है, एक सवाल मेरे जहन में कौंध रहा है, वो उसका उत्तर नहीं मिल रहा। तो मेरे को लगा यू आर दी राइट पर्सन, तो मैं तुम्हारे पास भाई इतनी रात में सवाल। खोला दरवाजा, मैंने बैठो भाई, अभी तो चाय वाय में कुछ नहीं है भाई, क्या है, पानी पीना है? बोले नहीं, मेरे को तो सवाल तुम सोच। मैं भाई सवेरे पूछ के, बस सवेरे कैसे पूछू, नींद ही नहीं है, मैं रात में सो ही नहीं पाऊं, पूछो। तो उन्होंने कहा कि आप एंशियंट हिस्ट्री की क्लास में थे? मैंने कहा जी मैं था। बोले आज वहां पे बुद्धिज्म पढ़ाया गया? मैंने कहा हाँ पढ़ाया गया। आप क्लास में नहीं थे क्या? आपको नोट चाहिए तो ले जाइए, इन्हें सवेरे ले जाते इसमें। बोले नहीं नहीं, था तो मैं भी, नोट तो है मेरे पास। बोले मुझे ये आठ, बड़ा ध्यान से सुनना, वो आठ घुमाव वाला रास्ता क्या है ये बताओ। आठ घुमाव वाला रास्ता, चौड़ाहा सुना है, तिराहा सुना है, तो ऐसा कोई सड़क नहीं देखा जहां से आठ सड़कें निकलती हूं। तो सुना है, एक बार मैं अपनी रिश्तेदारी में पलामू गया था डाल्टेनगंज, वहां कह रहे थे कोई चौड़ाहा है कि वहां से आठ रास्ते निकलते हैं, बाकी इसके अलावा तो मुझे कोई इल्म नहीं है। वो नहीं, 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 नहीं। क्लास से बताइए ना, मैं अब रास्ते नहीं पूछ रहा हूं। बुद्धिज्म में आठ घुमाव वाला रास्ता, बुद्धिज्म में ऐसा तो कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं कि आठ घुमाव वाला रास्ता। अरे सोचते सोचते मैंने कहा क्या तुम एट फोल्ड पाथ की बात कर रहे हो? हाँ वही है। होए प्रभु, अगर तुम एट फोल्ड पाथ की बात कर रहे हो तो ये आठ घुमाव वाला रास्ता कहां से ले आए? बोले कहां से ले आए, भार्गव डिक्शनरी देखा,
एट मतलब आठ, होल्ड मतलब मोर, पाथ मतलब रास्ता, तीनों को जोड़ दिया तो क्या हुआ, आठ घुमाव वाला रास्ता हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा अरे बाप रे, अरे भैया इसको अष्टांग मार्ग कहते हैं, प्रभु जी इसको अष्टांग मार्ग कहते हैं, चाहिए चैन से सोइए और मुझे भी सोने दीजिए। और वो सज्जन आजकल आईजी है सीआरपी। अब बोली मतलब उस लड़के ने इतनी मेहनत की, मैं हंस नहीं रहा हूं, हंसा नहीं रहा हूं आपको, मतलब फ्रॉम देयर टू दैट पोस्ट। अब बताइए यूएन पीस फोर्स में काम करके आया, अब वहां पे वो ये सवाल पूछे कि सर मेरा हिंदी में या बलिया में भोजपुरी में बोलने वाला, बोलने से काम चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर आप आईजी पुलिस हैं, अब आप वहां पे ये सवाल पूछिए, आपकी पेशी हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, आप ये सवाल पूछिए कि मेरा हिंदी में बोलने में काम चलेगा कि नहीं चलेगा, या जो रेलवे में अभी इस वक्त आईएएस है या आईपीएस है इंटरनेशनल पोस्टिंग पे जाएगा। मैं ऐसे हजारों इलाहाबादियों को जानता हूं भैया जो हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, आज बड़े बड़े पदों पे हैं और उनकी अंग्रेजी पे अंग्रेजी दान लोग सलाम करते हैं कि भैया तुम कैसे लिख लेते हो, कैसे बोल लेते हो और कैसे पढ़ लेते हो। फिराक जी के बारे में सुना था ना, जब अंग्रेजी की बात हुई तो फिराक जी ने मालूम है ना क्या कहा था, किसी को मालूम है? फिराक ने कहा इस हिंदुस्तान में सिर्फ ढाई लोगों को अंग्रेजी आती, बाकी किसी को अंग्रेजी नहीं आती। लोगों ने पूछा फिराक साहब वो ढाई लोग कौन है, बोले एक मैं, बोले दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मेरा असली नाम, मेरा असली नाम से ही आईडी है। अगर आप मुझे कह रहे हैं कौस्तुभ जी तो फिराक ने कहा एक मैं, दूसरा सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आधी अंग्रेजी आती है जवाहरलाल नेहरू को, ज्यादा अंग्रेज न बने और अपने को अंग्रेज का काबिल न समझे, आए हमसे ट्यूशन ले, एंड दैट टाइम जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोलिए यह है इलाहाबाद का इतिहास। आप उस विश्वविद्यालय से आते हैं, वो विरासत है आपकी, गर्व करना सीखिए। ईमानदारी का जवाब है सुप्रीम कोर्ट हो या जीवन में सफल होना हो, बिना अंग्रेजी के शर्मनाक है, खेदजनक है, लेकिन सच्चाई यही है, कोई उपाय नहीं, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ये कोई ऐसी चिड़िया भी नहीं है जिसको आप बस में न कर सकें। अरे आपका अंग्रेजी जानने से अभिप्राय शेक्सपियर बनना नहीं है, इस मोटे बात को समझ लो। आप लोग अंग्रेजी के नाम पे क्या आपको उपन्यास लिखना है, क्या आपको नॉवल लिखना है, क्या आपको कविता करनी है, क्या अंग्रेजी में डीलिट पीएचडी नॉवल प्राइज लेना है, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको फंक्शनल नॉलेज चाहिए अंग्रेजी की, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, आज से कोशिश करो। इतने उदाहरण, एक लाख उदाहरण दे सकता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, कि बच्चे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो ये होता है, लेकिन वो इस मतलब मैं तो उनके दृढ़ निश्चय को देख के आश्चर्य रहता था। एक वर्ड उनको हमारे इंग्लिश मीडियम के क्लास में समझ में नहीं आता था और बैठे रहते थे पूरी ईमानदारी से, जो भी डेढ़ घंटे दो घंटे की क्लास होती थी, जो भी पीरियड होता था बैठे रहते थे, बाहर निकलते थे ऐसे मुंह बना रहता था। पहले दो तीन महीने तो बेचारे एकदम ऐसे चाय से दबे कुने पड़े रहते थे। उसमें से तो कई अभी ऐसे हैं जो मुझे अब बताते हैं कि भैया हम लोग तो तुम्हारे सामने पढ़ते नहीं थे अजय, और आपस में बात करते थे कि देखो ये प्रॉपर आईएएस जा रहा है और हम लोग कहीं तहसीलदार वगैरह रहेंगे तो इससे दूर ही रहो भाई। मतलब उनके मन में ये हीन भावना थी, जबकि मैं अभी कभी ऐसा नहीं सोचता था। और जो लोग मेरे से परिचित हैं आप लोग, मैं तो यही लिखा मैं बीए फेल करूंगा तो आईएएस बनूंगा, और मेरी यही उस दिन भी सोच थी, मैं तो कभी आईएएस दिया ही नहीं, मेरी सोच ही नहीं थी। लेकिन उनके मन में ऐसा लगता था कि अजय जी की इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ये तो प्रॉपर आईएएस निकाल ले जाएंगे और हम लोग पीसीसीएस करके कहीं अपना तहसीलदार वगैरह रहेंगे। लेकिन वो सब लड़के आज अपनी क्या कहते हैं मेहनत से आईएएस हैं। और जो लोग हमारे क्लास में, जो हमारे बैच में इंग्लिश कमांड के लिए जाने चाहते थे, उसमें से एक मैं हूं, मैं आईएएस दिया ही नहीं, दो और लोग हैं जो प्रॉपर आईएएस हैं। एक तो मैडम थी, बहुत जलवा था उनका, बहुत तहलका था,
लोकल थी इलाहाबाद की, वहीं गर्ल्स हाई स्कूल से आई थी, नहीं है प्रॉपर आईएएस आईआरएस है। तो इस भावना को निकाल दो आज से, प्रणाम अभी से, अंग्रेजी तुम्हारी दासी बन जाए। लाखों उदाहरण दे सकता हूं, प्रैक्टिकल टिप चाहिए मैं मौजूद हूं। कौस्तुभ जी बात करो, अंग्रेजी की भी क्लास लेनी है शुरू करो, मैं मदद करने को तैयार हूं। लेकिन ये सवाल मैं दोबारा नहीं सुनना चाहता इलाहाबाद में। ठीक है कौस्तुभ जी, मैंने तो लिख दिया था एनआईपी में सेकेंड ईयर में, आईएएस इज ए जर्नी टू नोवेयर, पर ठीक है ये अपना देखो व्यक्तिगत सोच है। आपको नहीं अच्छा लगता आपने नहीं दिया, मुझे नहीं अच्छा लगता मैंने नहीं दिया। हम तो वहां लोकल नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका में जर्नलिज्म करते थे, तो हर शाम जो भी इलाहाबाद का कलेक्टर होता था उसके साथ बैठे होते थे, डिस्ट्रिक्ट जज के साथ बैठे होते थे, राजीव एस धवन वहां सिटिंग हाईकोर्ट जज थे उनके पास बैठे होते थे, और जो भी अपने ये विभूति नारायण सर पीसीबी वाले एसएसपी इलाहाबाद थे उनकी कोठी पे बैठा रहता था, वहीं लक्ष्मी चौराहे के बगल में होता था, वो चला जाता था, मैं उनकी स्थिति देखता था तो मुझे लगता था कि यार बाहर से तो बहुत भौकाल है, अंदर तो सिर्फ भयकाल है। तो मुझे भयकाल में नहीं जीना है भाई, मुझे तो भौकाल में जीना है। तो हम अपना पत्रकारिता और पत्रकारिता के बाद पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के बाद अपना प्रैक्टिस, कम से कम मैं स्वतंत्र आत्मा हूं, मुझे मजा आता है। बट जिन लोगों को वो सर्विस अच्छी लगती है अच्छी बात है, करना चाहिए और देश हित में राष्ट्र हित में वो कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए उस सर्विस के माध्यम से तो अच्छी बात है। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करें, क्योंकि हमारा 40 मिनट्स निकल चुका है। आज का विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और हम चाहते थे कि आज लव जिहाद कवर हो जाए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता है कि लव जिहाद, वैसे भी संभावना कम थी, लव जिहाद अगली क्लास में आ पाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी यूपी जुडिशियरी के लिए, खास करके यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए भी मैं उस सवाल को लेना चाहता हूं। तो आइए, उससे जुड़ा ही हुआ है, मैं उसी लव जिहाद की तरफ बढ़ने की सैद्धांतिक पक्ष को तैयार कर रहा हूं आपको। अरे शिवम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्पोकन में, पहले लिखना और पढ़ना आ जाए फिर स्पोकन आ जाएगा, चिंता मत करो। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं कौस्तुभ और हमारे और कौस्तुभ में बहुत सारे कॉमन है, वो लिख रहा है कि मैं आईएएस नहीं दूंगा, वो ये नहीं बता रहा है आप लोगों को कि मैं भी बीएचयू से हूं और फिर इलाहाबाद से हूं, वो भी बीएचयू से है और फिर इलाहाबाद से है। तो जब मैं बीएचयू में भी था तो वहां पे एक नेताजी थे, मंत्री भी रहे आपके यहां उत्तर प्रदेश में, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए, सीनियर थे, क्योंकि मैं लोकल रिपोर्टर हुआ करता था तो मेरे ऐसे लोगों से बड़ी वाकफियत जल्दी दोस्ती हो जाती थी। तो अब उनको किसी ने कहा कि ये नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका के रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, आप इनको दोस्ती कर लीजिए तो आपके बारे में भी कुछ ये छाप छुप दिया करेंगे। तो एक दिन उन्होंने मुझे लंका पे बीएचयू न्यू टेंपल के बाहर चढ़ाया है, कौस्तुभ को याद होगा बड़ा अच्छा मौसम होता था, वहां उन्होंने पकड़ लिया किसी को, ओ कम कम कम, तो मैं तो पहचानता ही था, मैंने सर प्रणाम सर, बोले कम कम ड्रिंक सिगरेट विथ मी, कहा मैं क्या ना हस्ते बने मुझे, सीनियर इतने बहुत प्रसिद्ध नेता इलाहाबाद सॉरी बनारस के बाद में मंत्री भी बने, मैंने कहा कि सर अब मैं क्या कहूं इनको, मैंने हिंदी में कहा सर नहीं मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, अच्छा यू डोंट ड्रिंक सिगरेट, मैंने कहा नो सर, मैंने आगे नहीं कहा। फिर तब तक कोई बीच में आ गया बोलने, तो कहने लगे ईट जलेबी, मैंने कहा हाँ सर जलेबी तो मैं खा लूंगा, ठीक है। फिर तब तक कोई बीच में आ गया तो उसने कहा कि कुछ बोलने लगा तो उस पर गुस्सा हो गए, उससे बोले सुनो व्हेन आई स्पीक आई ए स्पीक, व्हेन यू स्पीक यू ए स्पीक, डोंट स्पीक इन सेंटर। और वो आदमी उत्तर प्रदेश में मंत्री हुआ और बाद में उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हुई। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं, हंसने के लिए नहीं सुना रहा हूं, एक और उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय के बड़े नेता है, मेरा उनके साथ काम करने का अनुभव रहा, आज भी बड़ी हस्ती, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो वो लखनऊ से सेलेक्ट होकर के दिल्ली केंद्रीय राजनीतिक पार्टी जिस पार्टी में है वहां वो आ गए, बड़ा चलती था उनका लखनऊ यूनिवर्सिटी में साहब, बहुत पॉपुलर नेता थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में, जलवा था, तूती बोलती थी उनकी, नाम बता देंगे आप लोग सबको पता लग जाएगा, ये नाम छोड़िए। तो जब वो आ गए
तो यही समस्या जो आपकी समस्या है। तो उस पार्टी के जो अध्यक्ष थे उसने उनसे कहा कि देखो भाई सिद्धू तुम आ गए, तुम्हारी पॉपुलरिटी है, तुम्हारे साथ इतने लोग हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं, मंच पे जब बोलते हैं तो एकदम धारा प्रवाह और भीड़ लगा देते हैं। तो बोले इतनी पॉपुलरिटी है लेकिन नेतागिरी खाली उत्तर प्रदेश की नहीं करनी है ना, अब तुम राष्ट्रीय स्तर के नेता, तुमको केरल भी जाना होगा, तुमको तमिलनाडु भी जाना होगा, तुमको वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में भी पार्टी को रिप्रेजेंट करना होगा, तुमको फॉरेन प्रेस से भी डील करना होगा। तो अगर तुम छोटे स्तर के नेता, यूपी स्तर के नेता बने रहना चाहते हो तो अलग बात है, लेकिन अगर तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता और राष्ट्रीय स्तर के अच्छे नेता बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यह आवश्यक है कि तुम अंग्रेजी सीखना शुरू करो और वही पार्टी दफ्तर में रह के वो व्यक्ति साल दो साल में अपनी अंग्रेजी को इतनी परिमार्जित कर ली, इतनी अच्छी कर ली, या सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं आपको लाखों उदाहरण दे सकता हूं। चलिए एक नाम का भी खुलासा कर देता हूं, नितिन गडकरी, बहुत अच्छे नेता, बहुत बड़े नेता, खास करके महाराष्ट्र में जब उन्होंने उस सड़कें बनाई, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, वो पूरा नागपुर में और पुणे वाली, तो बहुत नाम हुआ उनका। तो जब उनका बहुत नाम हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी उनको पसंद करने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गडकरी जी को न्योता दिया कि भाई तुम दिल्ली आ जाओ, तुम्हारे जैसे शख्सियत की राष्ट्रीय स्तर पर जरूरत है। अब गडकरी जी को आपकी वाली समस्या या हीन भावना थी, ये खाली यूपी तक सीमित नहीं है, ये दूसरे राज्यों में भी है। तो वो वाजपेयी जी को ना बोले, बोले मैं नहीं आऊंगा, मेरे से दिल्ली नहीं होगा, लेकिन उनकी समस्या ये थी, उससे व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने शेयर किया। अब वो इतनी बड़ी गलती करी उन्होंने, अब वो खुद कहते हैं कि जय अगर मैं उसी समय दिल्ली आ गया होता तो शायद आज मेरी राजनीतिक हस्ती अलग होती। वो आए दिल्ली जब भाजपा के अध्यक्ष बने तो कोई उपाय नहीं था, लेकिन उस समस्या पे थोड़ी उन्होंने निजात भी पाई। अरे आप मोदी जी को देख लो, आप मोदी जी को देखो, दूर क्यों जाते हो यार। मोदी जी की अंग्रेजी एज ए चीफ मिनिस्टर गुजरात देखो और मोदी जी की अंग्रेजी आप आज देखो एज ए प्राइम मिनिस्टर, इसी से सीख ले लो यार। मैं एक दिन और मजाक की बात आपको बताऊं, मैं संसद कवर करता था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को ले लो, वो कौन सा अंग्रेजी में पढ़े थे भाई, लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी बोलते नहीं थे, उनको आती नहीं थी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में जाते थे और यूनाइटेड नेशन में जा करके हिंदी में भाषण दिया, बड़ा नाम हुआ। लेकिन हिंदी में भाषण दीजिए आप जरूर, लेकिन अंग्रेजी जान के दीजिए। इसलिए नहीं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है इसलिए मैं हिंदी बोलूंगा, मैं भारतीय भाषा अभियान जो न्यायालय में ये एक बड़ा विषय हो जाएगा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि हम सबको ये हक है कि हमारी भाषा में न्याय हो, हमारी भाषा में बहस हो, लेकिन आपको जान के इतना दुख होगा कि चार राज्य हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहां तो हाई कोर्ट में हिंदी में फाइलिंग और हिंदी में बहस की आपको इजाजत है, इसके अलावा कोई इजाजत नहीं है। कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में भी इजाजत है लेकिन होता नहीं है। और सबसे दुखद बात है उत्तर प्रदेश से कट के बना उत्तरांचल, वहां इजाजत नहीं है। अब बिहार से कट के बना झारखंड, वहां भी इजाजत नहीं है। तो मैं भारतीय भाषा अभियान का भी प्रचार प्रमुख हूं और ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ये कहता हूं कि मैं ये लड़ाई इसलिए नहीं लड़ रहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। मैं किसी से भी कहता हूं अंग्रेजी में जो बहस करनी है मुझसे कर लो, लेकिन मैं, ये मेरी मातृभाषा है, मैं भारत सरकार में 5 साल तक राष्ट्रीय राजभाषा विभाग का सदस्य भी रहा हूं, पार्लियामेंट्री कमेटी में हम हर जगह लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं लड़ रहे कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अंग्रेजी पे, अंग्रेजी जानने वालों से ज्यादा बेहतर कमांड रखता हूं। 35 साल मैंने अंग्रेजी जर्नलिज्म की है और 9 देशों में, विदेश में, इंडिया में नहीं, और उसके बाद मैं हिंदी की वकालत करता हूं, तब बात समझ में आती है, तब सामने वाला सुनने को मजबूर होता है।
मुझे कानून आता ही नहीं है और मैं कानून की वकालत करूं, आप कहोगे। एक 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 समस्या और भी होती है, लोग बोलते हैं हम ईमानदार हैं। मैं कहता हूं आप तभी तक ईमानदार हैं जब तक आपको अवसर नहीं मिला। अवसर मिलने के बाद ईमानदार बन के दिखाइए, तब मैं बात करूंगा। लोग कहते हैं मुझे पैसे से प्रेम नहीं है, आप सफल ही नहीं हुए और आप कह रहे हैं पैसे से प्रेम नहीं है। अरे पैसा कमा के फिर दान दे के बताओ, तब मैं मानूंगा और आप भी ऐसा ही मानेंगे। हवाई जहाज आप उड़ाते ही नहीं है और हवाई जहाज पे आप मुझे भाषण दे रहे हैं, मैं कैसे बात मान लूंगा आपकी? पहले आप हवाई जहाज उड़ा के दिखाइए मुझे, फिर मैं आपकी बात मानूंगा। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई बात नहीं अनु यादव जी, आप बात कीजिएगा, मुझे भेजिएगा मैसेज, मैं आपको बता दूंगा वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। प्रॉब्लम आपकी क्या है? आप हिंदी में सोचते हैं, ट्रांसलेट करते हैं और फिर बोलने लगते हैं, आपको जरूरत क्या है? ये सभी हिंदी वालों की प्रॉब्लम है, और हिंदी वालों की नहीं, इंडिया वाले जब इंडिया से बाहर जाते हैं ना, डॉलर में पैसा मिलता है, रियाल में पैसा मिलता है, दिरहम में, कोई सामान ही नहीं खरीद पाते। क्यों नहीं सामान खरीद पाते? वहां पैसा बहुत मिला हुआ है सरली, बट उनकी इंडियन मेंटेलिटी, सब्जी भी खरीदने जाएंगे तो दिरहम बोलेगा, दिरहम बोलेगा या ओमान रियाल बोलेगा या यूएस डॉलर बोलेगा, तो पहले उसको हिंदुस्तानी पैसे में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। अरे बाप रे बाप, 14 रुपये का एक अखबार, 2 रुपया में इंडिया में खरीदता हूँ, अखबार नहीं खरीदेंगे, चल रहे। अरे भैया कमा रहे हो रियाल में, तो काहे के लिए इंडियन रुपीज में कन्वर्ट कर रहे हो, रियाल में खर्च करो। उसी तरह से अगर इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश में बोलो, तुम पहले सोचते होगे हिंदी में, फिर ट्रांसलेट करने लगते होगे और फिर ट्रांसलेट करके बोलोगे, तब कभी नहीं। ठीक है, तो मोदी जी का उदाहरण दे दिया, गडकरी जी का उदाहरण दे दिया, राजनाथ सिंह जी का उदाहरण दे दिया, कितने उदाहरण दे। एक और बहुत बड़ा नाम है, शायद आप लोगों को एक बात पता नहीं है, आपने हिंदी की बात छेड़ दी। मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, हिंदी आसान है या तमिल? अगर आपको इंग्लिश सीखने कहा जाए और तमिल, तो दोनों में आसान कौन है? आप कौन सा भाषा सीखना पसंद करेंगे बताइए, लिखिए मुझे कमेंट बॉक्स में। बेहतरीन लेक्चर उस दिन मानूंगा स्वाति, जिस दिन यहां आके इस मंच पे कहोगी कि आज के बाद मैं बदल गई, मेरी समस्या नहीं है। ये 42 के 42 लोग जो इस वक्त लाइव यहां जुड़े हुए हैं, मैं 42 के 42 यस चाहता हूं, आज मैं क्रांति चाहता हूं। यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो भाषण और वो वोटिंग जाके देखिए, जब इस बात पे बहस हो रही थी कि राष्ट्रभाषा देश की क्या होगी, तो पॉपुलेशन उसका आधार बना, तो पॉपुलेशन आधार बना तो दो भाषाएं छन के सामने आई वोटिंग के लिए, एक तमिल और एक हिंदी। आपको मालूम है नॉर्थ और साउथ का डिवाइड, नॉर्थ और साउथ का झगड़ा भाषा को लेकर के, ये तब भी था पहले हमारे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो जब दोनों सामने थे तमिल और हिंदी, तो वोटिंग हुई, वोटिंग में दोनों को बराबर वोट मिले, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना मत हिंदी के लिए दिया, तो एक वोट से हिंदी जीत गई और इसलिए हिंदी राष्ट्रभाषा है। उसके बाद वो सारे अमेंडमेंट्स आए कि ये थोपा नहीं जाएगा, क क्षेत्र होगा, ख क्षेत्र होगा, ग क्षेत्र होगा, आपको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है, पढ़ लीजिएगा, भारतीय भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है। एक्ट में क्या क्या कहा गया है, पूरे भारत को क ख ग घ क्षेत्र में बांटा गया है, वो आज का विषय नहीं है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है जिसमें क क्षेत्र के अधिकारियों को हिंदी। अब देखिए उल्टा है, अब आईएएस जो आते हैं बेचारे, यहाँ पांडे जी थे हमारे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी, मेरे को मिश्रा जी थे गाजीपुर के, कहते थे अजय तुम इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो, ये सब संसदीय सलाहकार समिति में थे जहां मैं सदस्य था, हिंदी की वकालत करता था, सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़े हुए थे, अब हमसे कहते थे हमसे हिंदी नहीं लिखी जाती, हमसे हिंदी नहीं पढ़ी जाती। देखो उल्टा, आईएएस में जाके ट्रेनिंग हो गई, हिंदी नहीं लिखी जाती, हमसे बोलते थे कि तुम इसे अच्छी हिंदी कैसे बोल लेते हो। बोला सर हमारा प्रेम था भाषा से, मैं तो आपको मजाक बताऊं, मेरा तो विषय ही था हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस, पहले ही दिन में क्लास से बाहर निकाल दिया गया हिंदी के, वो भी मजाक की बात है। मुझे उन मैडम का नाम भी याद है,
वो जैसे ही क्लास में मैं एंट्री लिया और क्लास खत्म हुआ, बोली जरा आप स्टाफ रूम में आइए। मैं बड़ा घबरा गया, विश्वविद्यालय का पहला दिन। मैंने कहा यार ये स्कूल टाइप का यहाँ बुला रही है, मैंने क्या कर दिया, पहले दिन क्या गलती हो गई भाई, मैं तो कुछ कहा भी नहीं, मैं तो कुछ सुना भी नहीं। तो मैं गया स्टाफ रूम में, तो उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, कैसे हो, क्या हो। मैंने सब बताया, मैंने कहा यार लगता है कुछ खड़ा ही लुचा हो गया है, अब तो पता नहीं नाम वाम कटेगा इलाहाबाद से, पिताजी को बुलाया जाएगा, पता नहीं क्या होगा। हम तो सुने थे सब स्कूल तक ही होता है, जब विश्वविद्यालय में भी आज पहले ही दिन कहते हैं प्रथम पाचे मक्षिका ग्रह वाला, ये सब कहानी हो रही है, क्या करें क्या नहीं करें। बड़ा डरा हुआ समझाया हुआ सा मैं। तो उन्होंने कहा अच्छा आप एक बार बताइए, मैं आपका वो देख रही थी इनरोलमेंट रजिस्टर। मैंने कहा हाँ जी मैडम। तो बोली कि उसमें आपने हिंदी और अंग्रेजी और पॉलिटिकल साइंस लिया है। मैंने कहा हाँ, प्रॉब्लम क्या है। बोली नहीं प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मेरिट में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें बहुत नंबर था, बहुत बम्पर नंबर था, तो मुझे कोई भी सब्जेक्ट चॉइस का मिल सकता था, तो मैंने ये तीन सब्जेक्ट्स लिए थे। उन्होंने बोले प्रॉब्लम इसमें ये है कि एक भी स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं। तो मैंने कहा मेरा स्कोर उसकोर से कुछ लेना देना है नहीं, मैं पढ़ने आया हूँ पढ़ाई के लिए, मेरा स्कोर उसकोर परसेंटेज से कोई इंटरेस्ट नहीं। बोले नहीं फिर भी तो ऐसा क्यों आपने किया, हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश भी पढ़ना चाहते हैं। मैंने कहा दोनों साहित्य में मेरा इंटरेस्ट है, मैं हिंदी में कहानी कविताएं उपन्यास लिखता हूँ, इसलिए हिंदी पढ़ना चाहता हूँ, और अंग्रेजी के बिना हिंदी का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ लूंगा, इसी बहाने अगर विषय नहीं होगा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा देखिए वो सब बातें ठीक है, लेकिन अंत में तो रोजी रोटी रोजगार भी करना पड़ता है, उसमें परसेंटेज बड़ा मायने रखता है, तो 16-17 किताबें आपकी फाइनल ईयर में हिंदी की हो जाएंगी और 16-17 किताबें आपकी इंग्लिश की हो जाएंगी, लिटरेचर की 34-40 किताबें हो जाएंगी, जैसे आप पढ़ नहीं पाएंगे, आप पास नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिकल साइंस भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो आप एक काम कीजिए इसमें से एक भाषा छोड़ दीजिए कोई और जाके एंशियंट हिस्ट्री वगैरह ले लीजिए। तो मैंने कहा मैडम अब तो मैं कन्फ्यूज हूँ, मुझे दोनों से उतना ही प्यार है, तो मैं कौन सा छोड़ूं। तो उन्होंने कहा कि देखिए हिंदी आपकी मातृभाषा है, वो तो आपका इंटरेस्ट है, वो तो आप पढ़ ही लेंगे। तो मैंने कहा कि बात तो ठीक है, उन्होंने कहा आप हिंदी छोड़ दीजिए। मैंने हिंदी छोड़ दिया और अंग्रेजी से मैं आगे बढ़ा, लेकिन मैं यहीं पे अब अपनी बात समाप्त करूंगा कि वो ये है कि मैंने एंशियंट हिस्ट्री लिया इसलिए कि मार्क्स आएंगे, ये काम जीवन में कभी मत करें, मार्क्स के लिए पढ़ाई मत करें। मैंने एंशियंट हिस्ट्री जा करके लिया कि मार्क्स आएंगे, और जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया तो मुझे सबसे कम मार्क, जो मैंने हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट लिया था ये समझ के कि लोगों को आसानी से एंशियंट हिस्ट्री में मार्क्स आ जाते हैं, ऐसा सोच के मेरा उसमें इंटरेस्ट था नहीं, अल्टीमेटली तीनों वर्ष मेरे सबसे कम मार्क्स एंशियंट हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा मार्क्स इंग्लिश लिटरेचर में आए, फॉलोड बाय पॉल साइंस, जिन दो विषयों में मेरा इंटरेस्ट था। एंशियंट हिस्ट्री जबरदस्ती मैंने ले लिया था, मुझे मजा आता नहीं था, और अल्टीमेटली तीनों साल मुझे सबसे कम नंबर एंशियंट हिस्ट्री में। मेरी जो सलाह आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से, काम वही करो जिसमें दिल लगे, आधे अधूरे सुन सुना के किसी से और प्रभावित होके उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं, ठीक है। तो ये तो हरी कथा अनंत, हरी कथा अनंतता है, आप मुझे इस तरह के विषयों पर छेड़ेंगे तो मैं तो पूरी रात बोलता रह सकता हूँ, इसलिए हमारी एक भाई साहब हैं या हमारी बहन है जूनियर राजू कामनी, तो इनका कहनाम है कि विषय पे आया जाए, बिल्कुल सही बात है इनकी, आपका मुझे खींच करके विषय पे लाने के लिए धन्यवाद। आइए पूजा कह रही है जी सर मेरा भी एंशियंट हिस्ट्री में ऐसा ही हुआ था, तो बहुत सारे हम लोग एक साथ वाले हैं वस्तु, और मैं बहुत कॉमन पूजा मिल गई, चलो अच्छा है तुम लोग सहमत हो बातों से, आओ भाई विषय पे आ जाए, नौ तो बज गया है, तुम लोग जो है आज क्लास करने के मूड में नहीं थे लगता है, मुझे उलझा दिए हो, हाँ अच्छी बात है, हम लोग भी अपने प्रोफेसर को ऐसे ही उलझा दिया करते थे कि सर आज राम मंदिर पे बताइए, उनकी कमजोरी जानते थे कि बस वो राम मंदिर पॉलिटिकल साइंस आज पढ़ना नहीं है। खैर एनी हाउ द क्वेश्चन वाज आई विल टेक सब्जेक्ट्स
एटलीस्ट फॉर विच यू हैव कम हियर, मैं आपको निराश करके नहीं भेजूंगा, जिस मकसद से आप आए हैं उसको जरूर पूरा करूंगा। ठीक है, तो आइए, जो आपका सवाल है कि इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स, पिछले क्लास में आपने ये देखा था। हाँ, टॉपिक बता रहा हूँ, इफेक्ट्स ऑफ कन्वर्जन ऑन मैरिज एंड डाइवोर्स, धर्म परिवर्तन का विवाह एवं तलाक, या क्या कहेंगे डाइवोर्स को हिंदी में, आप जुबान पे वो शब्द नहीं आ रहा, डाइवोर्स तलाक तो ठीक है उर्दू का शब्द है, विवाह और डाइवोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। आपने पिछले क्लास में ये देखा कि एज आफ्टर 1995 चेंजिंग द रिलीजन फॉर द सेक ऑफ मैरिज इज इलीगल एंड यू कैन बी पनिश्ड। आपने उसके पहले का भी देखा, हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी लिए थे इस विषय पे। तो आइए बाबा हम इस विषय को डिटेल में लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कानून रहने के बाद धर्म परिवर्तन करता है तो इसका प्रभाव उसकी शादी और उसके जो पर्सनल लॉ हैं जो उस पर क्या पड़ता है। तो उसमें बेसिकली हम यहाँ पे आज के इस क्लास में, अगर आप चाहेंगे तो बाद में हम सक्सेशन की भी बात कर सकते हैं, हम अडॉप्शन की भी बात कर सकते हैं, सारी बातें हम करेंगे, लेकिन वो विषय हमारा आगे आने वाला है तब करेंगे। अभी तो हम मैरिज थे सेक्शन 5 से, यू नो द कंडीशंस ऑफ मैरिज, देन वी हैव डिस्कस डाइवोर्स ऑल्सो, सो वी आर टेकिंग अप दिस प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक है, तो विषय मेरा है हिंदू लॉ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो आई विल कवर मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसी लॉ ऑल्सो इन दिस टॉपिक। दो आई डोंट थिंक, अभी तक तो भाई मैं यूपी में ये सवाल देखा नहीं हूं कि मुस्लिम लॉ से इम्पैक्ट बताइए, क्रिश्चियन लॉ से इम्पैक्ट बताइए, पारसी लॉ से। क्वेश्चन पेपर मेरे पास है नहीं, मैं कल करता हूं कुछ। चलिए, नेट पे जितना मिल पाया था वही देख पाया हूं मैं साथियों। तो विषय है हमारा इम्पैक्ट ऑफ कन्वर्जन एज पर हिंदू लॉ, बाकी हम मुस्लिम तो रेफर करते जाएंगे, लेकिन आप अलग से कहेंगे तो 5-5-10-10 मिनट में मैं क्रिश्चियन और पारसी लॉ भी ले लूंगा। हाँ, विवाह विषय, थैंक यू नेहा जी, अभी भी सही शब्द नहीं मिल रहा है, तलाक डाइवोर्स विवाह विच्छेद तो है, एक सही शब्द है हिंदी का, एक चलो शायद बोलते बोलते आ जाए जुबान पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिलीजन धर्म जो है वो हमारे संविधान के अनुसार से बड़ा ही व्यक्तिगत मसला है और हमें स्वतंत्रता है, फ्रीडम है अपने हिसाब से धर्म को पालन करने की। जो भारतीय संविधान है वो सब किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी का धर्म पालन करने की इजाजत देता है, इसलिए हर व्यक्ति यहाँ पे अपनी मर्जी का धर्म मानने को स्वतंत्र है। वह इस बात के लिए भी स्वतंत्र है कि वो एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर ले। जब हम इंडियन लॉ के हिसाब से ठीक है कौस्तुभ जी हम कवर कर लेंगे कंपेरेटिव स्टडी, जब हम इंडियन लॉ के हिसाब से हिंदू की बात हम करते हैं तो मैं बहुत डिटेल में, आप पुराने लेक्चर्स जाके देख लीजिए, जो नए लोग हैं हिंदू कौन है, हिंदू होने की शर्त क्या है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ शॉर्ट में हिंदू, व्हेन वी से हिंदू इट मींस बुद्धिस्ट, इट मींस योर जैन्स, इट मींस योर सिक्स एंड ऑफ कोर्स हिंदू, इसके अलावा जो है वो नॉन हिंदू। हिंदू होने की एक शर्त ये भी है कि कोई परंपरा, कोई संस्कार, कोई विधि विधान कुछ नहीं है, एक आदमी खड़े होकर सवेरे कह देता है मैं हिंदू हूं तो वो हिंदू मान लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि हिंदू या अपने मर्जी का धर्म परिवर्तन करने की इजाजत है। तो जो सवाल ये है कि एक व्यक्ति जो हिंदू है या एक व्यक्ति जो मुसलमान है, मैं उसको भी कवर करूंगा, एक व्यक्ति जो मुसलमान है वो हिंदू धर्म कबूल कर लेता है, असल में ये भी एक समाज में बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं हिंदू से तो मुसलमान लोग होते हैं। अभी एक फिल्म स्टार की शादी हुई, उसकी बेटी तो उसकी बीवी का नाम है सगुफा खान, आप लोग बताइएगा जीके में, ऐसी जीके का सवाल नहीं है फिल्म में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम मैरिज होती है, ऐसा भी है कि मुस्लिम्स ऑल्सो मैरिज हिंदू, और ऐसा भी है हिंदू भी मुसलमान बनते हैं और मुसलमान भी हिंदू बनते हैं। मैं पूरी एक लिस्ट आपको आज दूंगा कि
कौन लोग मुसलमान से हिंदू बने हैं, हिस्टोरिकल लोग हैं, हिस्टोरिकल बातें हैं, इसलिए सब आप लोग दिमाग हमको खुला रखना चाहिए। स्पेशली हम कानून के अधिवेता हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, ठीक है। कल हमें समाज चलाना है, समाज को निर्देशित करना है। तो मेरा जो सवाल है यहाँ पे कि जब हमें संविधान धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है, उससे रोका नहीं जा सकता है, तो उसका इम्पैक्ट मेरे पर्सनल लॉ पे, मेरे व्यक्तिगत लॉ पे, खास करके यहाँ इस सवाल के संदर्भ में। यस, अलगाव इज मच बेटर, नीरज पाल जी। तो यहाँ इस सवाल के संदर्भ में विवाह और डाइवोर्स, मैरिज एंड डाइवोर्स पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसमें दो चीजें आपको ध्यान रखना है कि जब एक पति या पत्नी में से कोई धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म को स्वीकार कर लेता है तो यह महज एक कानूनी सवाल नहीं रह जाता है, यह महज एक लीगल रिलीफ की बात नहीं होती कि जो व्यक्ति ने दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया उसका पर्सनल लॉ चेंज हो गया। यह मसला सिर्फ यहां तक सीमित नहीं, यह मसला उससे आगे जाता है कि जब हम अपना धर्म परिवर्तन करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम पे आज की तारीख में उस धर्म का कानून लागू होता है। तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसकी जीवन पद्धति भी बदलेगी, उसकी सोच भी बदलेगी, उसके खाने पीने का तौर तरीका भी बदलेगा। तो ऐसी स्थिति में एक छत के नीचे एक पति पत्नी जैसे एक व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है और इस वक्त हम बहस के लिए मान लेते हैं कि वो उसी रिश्ते को कंटिन्यू करता है, वो दूसरी शादी नहीं करता या अपनी पत्नी को तलाक नहीं देता है, डाइवोर्स नहीं देता है, तो इससे लीगल कानूनी सवाल तो जो खड़ा होगा वो होगा सामाजिक तौर पे और प्रैक्टिकल वे में, क्या दोनों का एक छत के नीचे रह पाना संभव हो पाएगा, प्रैक्टिकल है, क्या ये रिश्ता कंटिन्यू कर सकता है? ऑफ कोर्स इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा खान पान, सोच विचार, रहन सहन, तमाम पद्धतियों में बदलाव आ गया दोनों के, और उससे जो पति पत्नी का रिश्ता है, जो कॉन्जुअल लाइफ है, जो रिलेशनशिप लाइफ है, कॉन्जुअल आप लोग समझते हैं, वह भी प्रभावित होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में कानून के अधिवेता जो थे, कानून के जो निर्माता थे, उन्होंने सोचा और सोचने के बाद सबसे पहले आइए हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द लीगल इफेक्ट्स। आप हेडिंग लिख लें, लिख रहे हैं, नोट बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल, नो सर, तो उसके लीगल परिणाम क्या होंगे, उसके लीगल प्रभाव क्या होंगे? क्या धर्म परिवर्तन करते ही मैरिज ऑटोमेटिक स्वाभाविक तौर पे विच्छेद हुआ माना जाएगा? एक व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया तो उसकी शादी, मौजूदा शादी अपने आप खत्म मान ली जाएगी? क्वेश्चन नंबर वन। क्या धर्म परिवर्तन एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स का? और अगर ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स का तो किसके लिए? जिसने धर्म परिवर्तन किया है उसके लिए, या जो नॉन कन्वर्ट है, जो नहीं बदला है, जो अपने धर्म में है? सवाल दूसरा, और इसी में तीसरा सवाल निहित है कि अगर ये ग्राउंड है डाइवोर्स का तो किसके लिए, कन्वर्ट के लिए या नॉन कन्वर्ट के लिए? आइए हम इसको देखते हैं। अगर पिछले क्लास में आप लोगों को याद होगा तो इस सवाल को, यस यस, वेरी गुड स्वाति,
आपने बिल्कुल सही फरमाया। पिछली क्लास में मैंने ये कहा था और डिटेल में बताया था कि धर्म परिवर्तन क्यों नहीं ऑटोमेटिक सुओ मोटो आधार हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। उसका एक ही कारण है कि हिंदू सिस्टम में, हिंदू पद्धति में, हिंदू लॉ में विवाह एक संस्कार है, जन जन्मांतर का संबंध है, यही परिकल्पना है। इसलिए कानून हमें ऑटोमेटिक मैरिज डिसोल्यूशन की इजाजत नहीं देता है। तो इसको अगर हम कानूनी भाषा में कहें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कानूनी तौर पे ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि किसी के पर्सनल लॉ में चेंज होने के कारण उसकी शादी विच्छेद मान ली जाएगी। बट ये हिंदू लॉ के संदर्भ में है, ध्यान रखिएगा। अब यहां मैं आप लोगों का ध्यान चाहूंगा क्योंकि कौस्तुभ कह रहे हैं कंपेरेटिव चाहिए, तो चलिए कंपेरेटिव लीजिए। हिंदू लॉ के हिसाब से तो ये ठीक है, लेकिन इस्लामिक लॉ में क्या हो? एक व्यक्ति अगर इस्लाम से क्रिश्चियन हो जाता है, सिख हो जाता है, बौद्ध हो जाता है या हिंदू हो जाता है, तो उसकी शादी का क्या होगा? कोई बताएगा? हाँ, अलग इम्प्लीकेशन है, लेकिन क्या है स्वाति जी, ये बताओ। देखिए, आपको मैंने बताया था अंडर द इस्लामिक लॉ मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक करार है। सो हिंदू लॉज में ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन नहीं है। इसीलिए कौस्तुभ जी या किसी एक छात्र का सवाल था कि कोई व्यक्ति, वो सवाल बेमानी है क्योंकि 1995 के बाद आप सेकंड मैरिज नहीं कर सकते, सेकंड मैरिज के लिए आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, सैद्धांतिक तौर पे मान लेते हैं, बिल्कुल सही स्वाति, फिनिश ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा इस्लामिक लॉ के हिसाब से। तो सवाल था कि एक व्यक्ति हिंदू है, वो धर्मेंद्र की तरह जाके दो शादी कर लेता है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है, दो शादी स्वीकार कर लेता है, 1995 से पहले वैलिड है, और उसके बाद दो शादी करने के बाद वो फिर से आता है और हिंदू हो जाता है। तो हिंदू होने के बाद क्या होता है, उसको दो शादी की इजाजत नहीं है। तो सवाल ये था कि फिर उसकी दूसरी शादी का स्टेटस क्या होगा। उसका जवाब आपको मैंने दिया था कि पहले तो ये संभव है नहीं, इजाजत है नहीं, दूसरी बात वो शादी इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन यहां पे इस आंसर से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि उस शादी का क्या होगा। जैसे ही वो इस्लाम से हिंदू होगा, उसकी वो शादी ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। तो दूसरी पत्नी रही ही कहां, उसकी रही ही नहीं वो, ठीक है। तो इसमें अगर इस्लामिक लॉ की बात हम करें, हु रिनाउंस इस्लाम इज एन एपोस्टेट, एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, जो इस्लाम धर्म परिवर्तन करता है उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल है, एपोस्टेट। तो जैसे ही एक वो अपोस्टेट स्टेट में आएगा, तो उसकी शादी, जो उसकी पत्नी है, मुस्लिम वाइफ है, दैट विल बी डिसॉल्व, एक वो शब्द है, आप लिख लो, इप्सो फैक्टो, द मोमेंट अ मुस्लिम कन्वर्ट्स टू अनदर रिजल्ट रिलीजन, हिज स्टेटस इज डिक्लेयर्ड एज इपेस्टो एंड द मैरिज कम्स टू डिसॉल्व इप्सो फैक्टो। यस स्वाति जी, बिल्कुल सही कह रहे हो, द मैरिज, बट दैट डजेंट हैपन इन हिंदू मैरिज, ये डिफरेंस याद रखिए। अकॉर्डिंग टू मुल्ला, यस इपैसो फैक्टो ऑटोमेटिक इंडेड द रिलेशनशिप, विच इज नॉट द केस इन द हिंदू मैरिज। अकॉर्डिंग टू मुल्ला, एपोस्टेफी ऑफ द हस्बैंड फ्रॉम इस्लाम ऑपरेट्स एज ए कंप्लीट एंड इमीडिएट डिसॉल्यूशन ऑफ द मैरिज। द मोमेंट यू चेंज द रिलीजन इन इस्लाम, योर मैरिज कम्स टू एन एंड, विच इज नॉट द केस विद द हिंदू मैरिज। वाई? आई हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, जो लोग नहीं थे वो पिछले क्लास का लेक्चर देख सकते हैं। अब आता है हिंदू धर्म के हिसाब से क्या होगा, ऑटोमेटिक रेजोल्यूशन नहीं होगा, बट यस दिस इज अ सॉलिड ग्राउंड एज पर
हिंदू लॉ फॉर सीकिंग डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन. नाउ अगेन व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइवोर्स एंड जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर्स. यू कैन रेफर टू प्रीवियस रिकॉर्डिंग. दोज हु हैव नॉट अटेंडेड द क्लास, दोज हु वर देयर वुड रिमेम्बर. And we have discussed in quite detail the grounds for the divorce, the ground for the judicial separation, how judicial separation is different than a divorce. Can during judicial separation a person move for divorce? Can a person ask for maintenance during judicial separation, etc., etc.? I don't think so any person was left. Sir, मुझे एक confusion है इसमें. If the either male or female change the Hindu religion, but in case Muslim person change in Christian, the same. द मोमेंट, इसमें सवाल ये नहीं है स्वाति कि वो हिंदू हुआ या मुसलमान हुआ. जैसे ही उसने मुस्लिम धर्म छोड़ा, द मैरिज इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व. ये कहीं नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए. लॉ क्या कहता है? द मोमेंट द पर्सन बिकम एपोस्टेट, दैट्स इट. लॉ इज नॉट टॉकिंग हिंदू क्रिश्चियनिटी सिख, इसलिए मैंने कहा सिख हो जाए, बुद्ध हो जाए, कुछ भी हो जाए. इफ यू रिनाउंस इस्लाम, वो एथिस्ट भी हो जाए, वो कोई धर्म ना ले, वो कहता है जी मैं अल्लाह में यकीन नहीं करता हूं, तो वहां पे अल्लाह में यकीन न रखना, कुरान को न मानना, अपने आप इस्लाम को न मानना है. तो जरूरी नहीं है कि वो धर्म परिवर्तन करे तभी. अगर वो इस्लाम को रिनाउंस भी कर देता है कि मेरा अब यकीन नहीं है, तो ही इज एन एपोस्टेट, एंड इन दैट केस हिज मैरिज कम्स टू एन एंड. वंस हिज मैरिज कम्स टू एन एंड, दी देखिए इसमें दो ही चीज है. वो जिस धर्म में जाएगा उस धर्म का पर्सनल लॉ उसके ऊपर ऑपरेट करेगा, लेकिन वो जाता ही नहीं है किसी धर्म में, तो ना वो कानून उस पर लागू होगा, ना वो उस कानून उस पर लागू होगा. अब वो जाकर साधु संन्यासी बन जाए, खैर साधु संन्यासी तो हिंदू है, मौलाना फकीर बन जाए, लेकिन कहे मैं इस्लाम को नहीं मानता हूं. मीन्स वट आई एम ट्राइंग टू से कि हियर इट इज एपोस्टेट, वी आर नॉट टॉकिंग कि उसने इस्लाम को रिनाउंस कर दिया है, उसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया, बस वो एपोस्टेट घोषित हो गया. एपोस्टेट घोषित हो गया तो उसका धर्म, उसकी शादी, अपने आप संबंध विच्छेद हो गई. आगे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें मैं हम लोग बात करने वाले हैं कि फिर उसके बच्चों का क्या होगा, उसकी संपत्ति का क्या होगा, और बहुत मजा आने वाला है. चलिए, तो अब ये ग्राउंड फॉर डाइवोर्स हो गया आपका लीगल इफेक्ट्स में, और दूसरा क्या होगा, इट इज ऑल्सो ए ग्राउंड फॉर जुडिशियल सेपरेशन. नाउ आई एम नॉट गेटिंग इन टू दैट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. बट ये अधिकार किसको होगा, कन्वर्ट को या नॉन कन्वर्ट? नोट इट डाउन, दिस राइट इज फॉर नॉन कन्वर्ट, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि अन्याय उसके साथ हुआ. वो अपने धर्म में काबिल है, उसके पार्टनर ने धर्म बदल लिया, तो मेरी जीवन पद्धति ऑटोमेटिकली इफेक्ट हो गई. तो प्रताड़ित तो मैं हुआ ना, तो रिलीफ किसको चाहिए? मुझे चाहिए. उसने तो अपने शौक से नया धर्म स्वीकार किया है, तो नई जीवन पद्धति तो वो इंजॉय कर रहा है. मेरे लिए मजबूरी हो गई ना कि अब वो कल से रोज दूसरे हिसाब से पूजा करेगा, दूसरे हिसाब से खाना खाएगा, दूसरे हिसाब से सोच करेगा, दूसरे फेस्टिवल्स मनाएगा, तो तकलीफ तो मुझे हो रही है. तो आई कैन गो टू द कोर्ट फॉर द रिजल्ट, फॉर द रिलीफ, दैट इज नॉन कन्वर्ट. ठीक है, आगे चलें. द कन्वर्ट्स एज टू द कन्वर्ट्स, जो कन्वर्ट हुआ है उसके साथ क्या होगा, एक स्पेशल एक्ट उसके ऊपर लागू होगा. बिकॉज आपको मैंने बताया कि हिंदू में डिसोल्यूशन ऑटोमेटिक नहीं है. सो टू गेट दी मैरिज एनल्ड और गेट दी मैरिज डिसॉल्व, देयर इज ए एक्ट दैट इज कॉल्ड द कन्वर्ट्स मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1866. यस नेहा जी, दिस राइट लाइज ओनली विद द नॉन कन्वर्टेड पर्सन, क्योंकि प्रताड़ित वही है, तो रिलीफ उसी को चाहिए. हमने तो अपनी मर्जी से, अपने शौक से दूसरा धर्म लिया है,
तो जो रिलीफ मुझे है या जो मिलेगा वो किस एक्ट के तहत मिलेगा? दैट एक्ट इज द कन्वर्ट्स मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1866 विच सीक्स टू लीगलाइज अंडर सर्कमस्टांसेस द डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज ऑफ कन्वर्ट्स बट ओनली इन केस ऑफ क्रिश्चियनिटी एज पर द रिलेवेंट स्टैच्यू. तो यहां पर डिफरेंस समझिए. इफ ए कन्वर्ट हैज गॉन टू इस्लाम देन देर इज नो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन. टू गेट द मैरिज एनल्ड और डिसॉल्व द नॉन कन्वर्ट हैज टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द रिलीफ दैट वी विल टॉक फर्दर हाउ अंडर विच लॉ विच कोर्ट प्रोसेस वी ऑल टॉक लेटर बट हैज टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द सॉल्यूशन ईदर डाइवोर्स और सेपरेशन. बट इफ ए पर्सन हैज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी देन देर इज ए लॉ फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ए मैरिज अंडर ए स्पेशल स्टैच्यू बट दैट इज एप्लीकेबल ओनली इफ ए हिंदू और ए हिंदू सी इन इस्लाम देयर इज नो क्वेश्चन ही बिकम क्रिश्चियन इफ सो फैक्टो मैरिज डिसॉल्व बट इफ ए हिंदू हैज बिकम ए क्रिश्चियन देन इन दैट केस अनदर स्पेशल लॉ विल कम इन टू इफेक्ट दैट लॉ इज नोन एज मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1866. उसमें कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये मैरिज डिसॉल्व घोषित किए जा सकते हैं. कहने का मतलब है कि उस स्थिति में उस पार्टनर को डाइवोर्स या जुडिशियल सेपरेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है. सी और ही कैन अप्रोच द कोर्ट डायरेक्टली इन केस ऑफ क्रिश्चियनिटी टू गेट द मैरिज डिसॉल्व अंडर मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1866. फाइन. तो आज इतना ही. जो अगली क्लास है हमारी कल, उसमें हम इसी स्टैचुरी प्रोविजंस को, इसी कानूनी प्रावधान को आगे डिस्कस करेंगे, रिलेवेंट केस लॉज देखेंगे, रिलेवेंट केस डिस्कस करेंगे, रिलेवेंट कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, और फिर हम कंपैरेटिव पारसी लॉ, मुस्लिम लॉ और आपका जो है क्रिश्चियन लॉ में ये कैसे ऑपरेट करेगा कंपैरेटिव स्टडी के लिए. समय ने इजाजत दिया तो उसकी भी बात करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में. और फिर इन सब का मिक्सचर बना के जो इन किसी भी लॉ में कवर नहीं होगा, सच ए कंफ्यूजिंग स्टेट होगा, ऐसे भी केस हुए हैं, ऐसे भी इतिहास हैं जो इनमें से किसी लॉ में कवर नहीं होगा, उनकी भी चर्चा करेंगे. देन इट इज कंप्लीट स्टडी. ठीक है, सहमत हैं आप लोग? ठीक है, तो मतलब सब लॉ के बाद खिचड़ी भी आप लोगों को खानी है. ठीक है, चलिए देखते हैं. इलाहाबादी हो, मैं जानता हूं तुम सब. चलो चलो राजू कामनी जी, धन्यवाद आपका, आपको मेरी क्लास पसंद है. हा? और स्वाति मिश्रा जी थैंक यू, गुंजन मेहरा जी थैंक यू. हाँ, कोई क्वेश्चन है तो हम कैसे पूछें? या तो यहाँ पूछ लो, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है कौस्तुब जी ने, वहां डाल दो, मेरे को उस पर ऐड करके पर्सनल अटेंशन दे दो, मैं देख लूंगा. नहीं तो मेरा नंबर है, मेरा वेबसाइट एड्रेस नोट कर लो, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ. वेबसाइट पे भी नंबर है, वेबसाइट से पूछ लो. अरे मैं तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, पूछो इसको, अपना कौस्तुब को बता देगा. कौस्तुब जी से नंबर ले लो, मेरे पास तो लोग आप लोगों के फोन आते रहते हैं, कुछ लोग मेरे दूसरे लॉ सेमिनार में भी आते हैं. ठीक है, ये देखो उन्होंने लिख भी दिया मेरे वेबसाइट का एड्रेस, मिश्रा जी ने. हाँ, तो मेरा एक दूसरा भी है पर्सनल, तो कहीं से भी कहीं भी फेसबुक वगैरह पे भी जाओगे मैं हर जगह आपको मिल जाऊंगा. हाँ,
ये लो, मेरे को तो एक व्हाट्सएप भी कर दोगे तो इट्स एनफ, आई कैन कॉल यू बैक। हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते हो यार, आप तो हमारा विश्वविद्यालय के छोटे भाई बहन हो, क्यों नहीं कॉल कर सकते हो। अगर मैं आप लोगों के काम नहीं आऊंगा तो किसके काम आऊंगा भाई, ये तो गिविंग बैक स्टेज है हमारा। हमें जो इलाहाबाद की धरती ने, प्रयागराज की धरती ने दिया है, विश्वविद्यालय ने दिया है, हमारे सीनियर्स ने दिया है, हमारे गुरुजनों ने दिया है, लौटाने का वक्त है भाई। और ज्ञान तो ऐसी चीज है जितना बांटो उतना बढ़ता है, ठीक है। तो ये तो फक्र है, बट यही है कि कॉल करने से पहले मैसेज कर देना, कभी भी कॉल कर सकते हो। मैसेंजर पे उपलब्ध हूँ, फेसबुक, हर वो माध्यम जहाँ ढूंढोगे उससे मैं उपलब्ध हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई सवाल हो आप ग्रुप में डाल दो, मैं वहां जवाब दे दूंगा। और आप लोग विचार करो आपस में इसको और कैसे इंटरेक्टिव बना सकते हैं, मैं भी सोच रहा हूँ। बजा सर का क्लास देखा था, वो व्हाइट बोर्ड भी यूज करते हैं, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन टेक्निकली मुझे नहीं पता ये कैसे हो सकता है। मैं बात करूंगा कौस्तुब से, और मैं तो चाहता हूँ ये लैपटॉप से हो जाए, पता नहीं लैपटॉप से भी लाइव हो नहीं पाता है, तो देखते हैं। बहुत सारे लोग जैसे ये उमा जी हैं, ये बनारस से हैं, ये जुड़ी हुई हैं मेरे साथ मेरे दूसरे लॉ के प्रकल्प में। कल मेरा एक सेमिनार था जिसमें मैंने कहा महिलाएं घर में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल घर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बाहर सुरक्षित हैं। मैंने कल यह भी प्रमाणित कहा कि महिलाएं अपने रिलेटिव्स, अपने परिचितों के साथ सुरक्षित नहीं है, वह गैर परिचितों के साथ घर से बाहर ज्यादा सुरक्षित हैं। तो लोगों ने कहा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो उसमें कल एक शिवानी यादव आगरा से जुड़ी, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई आप कैसे आई, क्या आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पेज पे हैं। बोली नहीं, मैंने उनसे कहा आप जुड़िए, क्योंकि उन्होंने सर LLB तो मैंने आगरा से किया लेकिन LLM मैं इलाहाबाद से की। मैंने कहा तब तो आप हमारी अलमुनी ही हो गई, आपका स्वागत है। तो सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, आप लोग भी जुड़िए। अब देखिए नेहा जी, गूगल मीट इज बेस्ट, ये ना आप एक बार कौस्तुभ से बात करो, बिकॉज मैं जो है ना थोड़ा तकनीकी मामलों में कौस्तुभ के इतना स्मार्ट नहीं हूं। आप यंग जनरेशन हो आप लोग, मुझे तो बस अपना आपस में विचार करके बता दो, मैं वहां आपके उस जो भी आपका फैसला होगा, मैं गूगल मीट भी इस्तेमाल करता हूं, आई एम कंफर्टेबल विथ इट, तो मैं उस पर भी जुड़ जाऊंगा, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इजाजत, आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरह से अपना भी उत्साह बनाए रखें, मेरा भी उत्साह बनाए रखें, और कौस्तुभ जी को गुस्सा न दिलाएं, ये मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों को। वह जो भी कर रहा है आपके हित के लिए कर रहा है और निस्वार्थ भाव से कर रहा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें, यह आपकी भी जिम्मेवारी बनती है, उनको ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें ताकि वो पूरे मन से आपके लिए और अच्छा अच्छा क्लास, अच्छे अच्छे प्रयोग आपके सामने वो ला सके। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। कल फिर मुलाकात होगी रात 8 बजे इसी पेज पर, इसी विषय पर, जहां हम देखेंगे कानूनी पहलू लव जिहाद का। धन्यवाद।